रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जावेद व्लॉग्स। तो सुबह सुबह का अभी 11 बज रहा है, 10 मिनट पहले सो करके उठा हूँ, फटाफट फ्रेश हुआ हूँ, चाय बना रहा हूँ। पीछे आप कपड़ा देख रहे होंगे, कपड़ा सब धोया था तो इसके लिए यहाँ पर अभी सूख रहा है, टांगा हुआ इसके लिए। तो भाई क्या हाल है, दो दिन वीडियो नहीं है चैनल पे, ऐसा ही होता है, क्या किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता है और कभी कभी टाइम मिलता है तो खुद को भी इग्नोर करना पड़ता है यार, एनी टाइम कैमरा कैमरा कैमरा, तो इसकी वजह से माफ़ करना, ठीक है। और आज बने रहना चैनल पे हमारे साथ में, और आज हम अपनी पार्ट टू स्टोरी भी बताएंगे इस चैनल पे, ठीक है। जमाल भाई को बुलाया हूँ और बाहर का मौसम देखो, बादल वाला बना हुआ है। ये भाईजन देखो हाफ पेंट में कैसे आ रहे हैं, देख रहे हो, थोड़ा काम बाकी था, मैं क्या छोड़ के जाऊँ, थोड़ा पेट भी अंदर कर लीजिए। तीन दिन के बाद आप चैनल पर दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? तो ये तो आपकी मेहरबानी, आप गायब हो जाते कभी मैं गायब, तभी देखो सवेरे 7 बजे से गया। पता पब्लिक क्या बोल रहे भाई, जमाल भाई अपने चैनल पे वीडियो क्यों नहीं डाले? ओके, डालते हैं इंशाल्लाह, आपकी मेहरबानी है ना भाई। अभी ड्यूटी पर से आए हैं और हम अभी, मैं जगाया नहीं जानबूझ के, मन का भाई सोए होंगे, मैं तो 7 बजे चला जाता था भाई। पता है पब्लिक क्या बोलती है, जमाल भाई वीडियो में नहीं रहते हैं तो वीडियो सन्नाटा सन्नाटा लगता है। क्या बात है भाई। तो मैं क्या बोलूं बताओ, रहेंगे घर में तो मैं लेके आऊंगा इनको वीडियो में शामिल, जब नहीं रहेगा तो कहाँ से लेके आऊंगा। अभी तो कितने टाइम से साथ में खाना भी नहीं खा रहा यार। हाँ नहीं, अभी रात में भी साथ में नहीं खाए, इनके चक्कर में जो है अभी क्या बोलूं इनको भाई, थोड़ा शेड्यूल बदला हुआ अभी, लेकिन क्या किया जाए, भाईजन की करामात है। देखो अभी मेरा भी देखो आज से जमा चालू हो गया, अभी बोली कल भी जाने का है, चालू हो गया जमा 7 बजे से ही। चलो सही है फिर तो, अच्छा है, सुबह सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगी भाई की। अपना तो मैं तो अभी 11 बजे सो के उठा भाई, तब मैं जाके उधर इतना इंतजार किया, फिर लेके भी आया, भाई लोग अभी सोए पड़े, तुम भी सोए थे, वो भी सोया था, तो मैं भी देखता हूँ। रात में कफिल का गाड़ी अंदर जाके सफाई करके आया था भाई। वैसे 2-3 दिन से काम क्या होता है ना, काम ज्यादा रहता है, कभी कभी काम और ज्यादा बढ़ जाता है यार, पता ही नहीं चलता काम का यहाँ पर, बट इसकी वजह से फिर मोबाइल उठाने का मन नहीं करता, समझ रहे, यही बात है। ऐसा टाइम भी आ जाता है कि घर से निकलने का भी नहीं आ पाता मौका। हाँ यही सब सीन है, जो वीडियो नहीं हो पाता है, अब फ्री रहता है टाइम तो वीडियो बना ही देता हूँ मैं। चाय भाई तो पी ली है, लेकिन अभी ड्यूटी लगी है मक्सला जाने की, तो कंबल वगैरह है घर का वो दे के आते हैं, इसके बाद रास्ते में आपसे बात करते हैं। तो आप लोगों ने मेरी लाइफ स्टोरी पार्ट 1 देखी होगी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद आप ये वाले वीडियोस देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला देखने के बाद वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि जब मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था ऑटो चला करके, ठीक है, इसके बाद फिर मैं दुबई क्यों चला गया और फिर मेरी शादी कैसे हो गई, तो ये सारी बात इसमें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑटो ड्राइविंग से। तो ऑटो ड्राइविंग में मैं डेली अच्छा खासा कमा लेता था, लगभग 1000-1200 रोजाना का कमा लेता था, 3-4 गाड़ी चल रही है, आप समझ सकते हो मैं खुद से भी गाड़ी चला रहा हूँ, तो अच्छा खासा महीने का 40-50 हजार महीने का आ ही रहा था। लेकिन मैं दुबई क्यों गया, क्या होता ना, जब आपके मोहल्ले में आपकी फैमिली मेंबर में कोई अगर आदमी बाहर रहता है तो यार अच्छा खासा कपड़ा, महंगे महंगे परफ्यूम, वहां से बार बार सामान पार्सल करना, फोन करो तो भाई हम हमेशा बिजी रहते हैं, तो क्या है कि तो हम बहुत भारी यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे अलग लाइफ है, आईफोन हाथ में रखना, तो एक थोड़ी सी अंदर में हमारे अंदर भी लालच आ जाती है यार, कुछ भी कमा लो तो इंडिया में तो लोग इंडिया वाला ही बोलेंगे ना, सऊदी वाला तो नहीं बोलेंगे। तो उस टाइम पे मेरी उम्र शायद 18 साल हो गई थी, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट पे जब हम 10th क्लास, तो उस टाइम पे 16 साल की उम्र होनी चाहिए थी, तो हमारा जो एज है, मेरा जो एज है, वैसे रियल देखा जाए तो 1991 है, 1991 बस, बट स्कूल में 1992 कर दिया गया, उसकी वजह से मेरे पासपोर्ट पे जब मैंने पासपोर्ट बनवाया था उस पे मेरी उम्र 19 साल हो गई, जबकि सऊदी जाने के लिए 21 साल होनी चाहिए। तो मैं तो सऊदी के लिए अप्लाई करने के लिए किया था, तो मैं कहा चलो यार
चलते हैं सऊदी चलेंगे, सऊदी जाते हैं, सऊदी जाने का मन बना लिया, अच्छा खासा काम चल रहा है इंडिया में मेरा, अच्छा खासा मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में क्या, अंदर में खुशी किस बात की, हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, कंपनी में जाएंगे, वहां जाके ज्यादा पैसा कमाएंगे यहां से, जब आपके जहन में बैठ जाता है ना ये बात, तो आप वो जहन बाहर नहीं निकाल सकते, कभी भी कितना भी कोशिश कर लो बाहर नहीं निकलेगा, घूम फिर के आपको गाड़ी चलाने का मन नहीं करेगा। अब क्या होता है ना कि मोहल्ले में बहुत सारे, मेरे मोहल्ले में जो जिस जहाँ पे मेरा घर है उस मोहल्ले में लगभग सब लोग बाहर ही रहते हैं, तो उसके घर का भाई वहां रहता है, तो उसके पापा वहां रहते हैं, तो उसके बड़े भाई वहां रहते हैं, तो यार हमारे घर में भी कोई अपना रहे तो ज्यादा बेटर है। तो हमारे रिलेशन में जो भी भाई लोग रहते हैं बाहर रहते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट ये होता है कि वो सच्चाई कभी नहीं बताते कि रियलिटी क्या है सऊदी अरब की। वो तो मैं अब आपको वीडियो में शेयर करता हूँ ना, कितना सारे व्लॉग बना करके जो भी चीजें होती बता देता हूँ। तो सफर शुरू होता है पासपोर्ट का, पासपोर्ट बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमारे एक रिलेशन में, दूर के रिलेशन में लगेंगे, दिल्ली के हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए मैंने वीजा भेजा है यम्बू का, आप फटाफट मेडिकल कराने के लिए मुंबई चले जाओ। तो हम फटाफट, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी से मुंबई पहुंच गया, ठीक है। मुंबई पहुंचने के बाद वहां पर जाकर के मालूम पड़ा कि जो मैं मेडिकल कराने गया था, बोलता है अभी आप बच्चे हो, जब 21 साल से उम्र ज्यादा हो जाए तब आना मेडिकल कराने। हम कहें उस टाइम पे मूफा स्टार्ट हुआ था नया नया, और ये बात है 2012 की, ठीक है, 2012 की रमजान से पहले, उस टाइम पे आई थिंक मार्च अप्रैल का टाइम था उस टाइम पे, तो मैं गया था कराने के लिए। तो गया तो भाई अब वहां से मैं मायूस होकर चला आया, क्यों, मेडिकल ही नहीं होगा तो आप सऊदी जाओगे कैसे। वो भाई ने वीजा भेजा था, उनको ये पता नहीं था कि मेरी एज कितनी है, नहीं उन्होंने मेरे मार्कशीट पर ध्यान नहीं दिया था, मेरे डेट ऑफ बर्थ पर ध्यान नहीं दिया था, बट मेरा ड्राइविंग का वीजा भेज दिया था, सब्जी की ड्राइविंग की वीजा थी वो वाली। खैर चलो, अब तो यहाँ पे बात हो गई, अब 21 साल जब पूरा होगा तभी आप दुबई या सऊदी, तभी आप सऊदी जा सकते हो। उसी बीच में एक आदमी किससे मुलाकात हुई, हमारे एक मोहल्ले के है मौलवी साहब है, तभी तो मैं कहता हूँ कि मौलवी साहब से मैं दूर भागता हूँ, खास के काम कराने से। उनसे मुलाकात हुई, बोलता है ऐसा करो तुम कौन सा काम में जाना चाहते हो, मैं कहा मैं ड्राइविंग में जाना चाहता हूँ, बोलता ड्राइविंग में जाना चाहते हो तो कम से कम 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा करो मैं तुमको कंपनी में भेज देता हूँ दुबई में, ठीक है। तो उनके पास मायूस था, चलो यार किसी तरह से ना सऊदी जा सके दुबई चले जाएंगे, एक साल वहां रह के काम कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर दुबई चले जाएंगे, फिर सऊदी चले जाएंगे, ठीक है। तो गया उनके पास, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, मैं कहा ऐसे से मैं आया था सऊदी जाने का काम करने के लिए, बट मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो है मेरा एज ही कम है। बोलता आप ना दुबई चले जाओ, और दुबई जाने में आपको भी वही 70-80 हज़ार रुपये खर्चा होगा। हम क्या, अच्छा तो सैलरी, बोलता आप मिल जाएगा अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाएगा, उस टाइम पे 12-13 रुपया था इंडिया का होता था एक दिरहम का। हमको ठीक है, तो मैंने उनको पासपोर्ट दे दिया, जो भी आपका हम डॉक्यूमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कौन सा काम में जाना चाहोगे, मैं कहा कोई भी काम, मेरे को बस किसी भी हाल में जाना है, तो यहाँ से जाना है किसी भी हाल में। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं अच्छा खासा इंडिया में कमा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ बाहर, अपना टाइम बर्बाद करूंगा, लेकिन यहाँ की रियलिटी पता होती तो मैं क्यों आता। तो यहाँ की रियलिटी सच्चाई क्या थी वो पता नहीं थी, बट आप तो मालूम हो चुका है, अगर ये रियलिटी जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ बताता हूँ, अगर ये आपको मालूम पड़ जाए पहले ही, तो यहाँ पर आप आने से पहले 50 बार सोचोगे, 1000 बार सोचोगे कि मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, और मैं अगर जाने के बाद वहां पे कुछ फंस जाता हूँ तो मैं वापस क्यों आऊँ, क्यों ना जाऊँ, यहीं पे काम करूँ। ये सारी बात होती है मेरी वीडियो के अंदर में, तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहा कीजिए। तब यहाँ पर मैंने उनको दे दिया और आ गया घर। घर आने के बाद मुझे मालूम पड़ रहा है नवंबर में, ठीक है, मैंने तो रमजान का टाइम भी दिया, तो नवंबर में मालूम पड़ रहा हम घर पे आए, जावेद भाई आइए हमसे मिलिए, तो हमारे मोहल्ले के हैं वो। तो गया तो मालूम पड़ा कि हमारा नाम का वीजा आ रखा है। अच्छा जी, तो क्या इलेक्ट्रीशियन हेल्पर का वीजा है, 750 दिरहम सैलरी है, और खाना पीना रहना कंपनी में, कपड़ा मतलब कि हर चीज, सब चीज कंपनी, साबुन तेल सब चीज कंपनी का। हम कहा ठीक है, तो सही है फिर, कंपनी का है तो ओके बेटर है। तो मैं कहा चलो ठीक है। मेरे ध्यान में ये नहीं था कि 750 दिरहम इंडिया का कितना बनेगा, उस टाइम पे उतना दिमाग नहीं चला, दिमाग था यहाँ पे कि हवाई जहाज में उड़ना है और वहां जाकर के फिर काम करना है, सैलरी क्या है नहीं है इस पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने मेरे को मना भी किया था, मत जा यहीं पर अच्छा खासा तो कमा रहे हो, लेकिन मैंने मम्मी की बात सुनी थी, कर चलो जो होना रहता हो जाता है, मम्मी की बात सुन करके मैं अपना काम करा लिया। अब यहाँ पर बात आता नवंबर में कि वो बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि उन्होंने मेरा काम करवाया, उन्होंने कहा कि आपका वीजा आ चुका है, अब बताइए जावेद भाई अपनी मम्मी को लेकर आइए साथ में, और आपको कब जाना है, किस डेट में जाना है, जल्दी से जल्दी आपको जाना है, क्योंकि ये इस वीजा में 30 लोग साथ जाएंगे, 30-31 लोग, बहुत सारे लोग है, बहुत सारे कामों के, वो साथ जाएंगे, तो फटाफट आप काम करवाइए। तो ये नवंबर की बात थी, तो मैं 5 दिसंबर को दुबई चला गया था।
तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा कि मेरी शादी हुई तो कैसे हुई अचानक से, जो कि मुझे शादी नहीं करनी थी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। अब शादी पे आता हूँ। बात थी 2012 की सितंबर अक्टूबर की। उस बीच में हमारे चचेरे दादा हैं जो हमारे पापा के चाचा लगेंगे, तो वो इंतकाल कर गए। तो उनकी दो बेटियां हैं, हम मुझे नहीं मालूम था कि उनकी हमारी दो फुप्पू भी है जो दूर रहती है, दूर मतलब पंजाब में रहती है, दिल्ली में रहती है, हमें नहीं मालूम था। बट इंतकाल कर गए तो हम लोग गए, मिट्टी दिए आए। इसके बाद मालूम पड़ा वो हमारे घर पे आई तो बोली कि हम ऐसे ऐसे मिलाद, हम लोग में मिलाद होता है जब 1 महीना 40 दिन हो जाए तो मिलाद कराते हैं अपने अपने फैमिली मेंबर में, बच्चे लोग कुरान खाने ही मिलाद कराते हैं। तो वो हमारे घर पे आई, आने के बाद दावत दी तो हमने कहा ठीक है आएंगे। तो पापा तो नहीं गए लेकिन मैं गया। वो फुप्पू अच्छी फुप्पू थी, वो दो ही बहन है और वो लोग हमेशा से पंजाब में रही है। मेरे जो ससुर जी जो हैं वो अशोक लीलैंड का जो ट्रक बनता है ना, ट्रक का जो चेचिस होता है, उसको चेचिस को पेंटर के सुपरवाइजर है, कैसे पेंट करना क्या करना है, वो पंजाब में लगभग मान लो कि 20 साल से काम कर रहा है पंजाब में। उनके घर पे गया मैं, मम्मी मेरे दो बहन भाई बहन गए, हम लोग ऑटो से गए, अपने ऑटो से गए। वहां जाने के बाद हमने देखा कि इनके घर में कोई मेन मलते है ना, कोई आदमी ढंग से काम करने वाला नहीं है। भाई फैमिली छोटी है तो यहाँ पर आपको पता है कि फैमिली छोटी तो कोई जेंट्स काम करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैं जो हूँ ना, मैं किसी के भी फंक्शन में या शादी में कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो मैं अपने आप को अपना फील करके काम करता हूँ कि ये काम मेरा है यार, कोई बात नहीं, अपना हेल्प करने में, अपना काम करने में क्या शर्म है, चलो। तो मैं जैसे घर पे पहुंचने के बाद देखा कि बहुत सारा जो सेटअप होता है, माइक वगैरह होता है, शामियाना वगैरह, सजावट वगैरह का काम, फिर से स्टेज वगैरह बनाना होता है, जो हमारे मौलवी साहब आते हैं प्रोग्राम करते हैं, तलावत करते हैं। तो इस पर मैं लगा यार मेरे को भी थोड़ा हेल्प करनी चाहिए। तो मैं अपना समझ करके चढ़ा छत पर। चढ़ने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी जेंट्स नहीं है और मिलाद का टाइम होने वाला है। ये थोड़ा स्टोरी लंबा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना कैसे मेरे को मेरी सास ने पसंद किया और कैसे मेरा आगे क्या हुआ। अब वहां पर क्या हुआ कि मैंने कहा मुझे आदमी चाहिए, हेल्प चाहिए, फटाफट मुझे यहाँ पर सेटअप करना है। तो मेरी सास को, मेरे को पता था मेरी फुप्पू जो लगेगी ये तो जावेद है, ठीक है, उन्होंने मुझे बचपन में देखा था, बट जब मुझे देखा तो कहा कि नहीं ये लड़का तो कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। इसमें थोड़ी सी स्टोरी मैंने कट कर दी, कभी और भी शेयर करूंगा आपको। अब यहाँ पर क्या है कि मैं छत पे सारा कुछ सेटिंग किया, अपनी सास, दोनों सास, मतलब कि मेरी सास की जो दो बहन, मेरी सास और मेरी सास की जो बहन है, दोनों आदमी से साथ मिल करके मैंने सारा सेटअप कराया, खुल करके अपने हिसाब से, लगा कि मैं ही घर का आदमी हूँ। पूरा सेटअप करा दिया, सब कुछ हो गया, पूरी रात गुजर गई, सारा काम हो गया, मैंने हर चीज में अपना सपोर्ट किया, सब चीज किया अपना समझ करके। कोई जेंट्स नहीं है काम करना, और भी बहुत सारे लोग जेंट्स थे काम करने वाले लेकिन उन्होंने इतना अपनापन नहीं दिखाया जितना मैंने दिखाया। तो उनको लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, तो उन्होंने मेरे पापा के सामने, मेरे पापा का भी शुरू से शौक था कि अपनी भैगनी से हम अपने बेटा का शादी करते। तो इस बीच में जो है मेरी सास ने कहा कि हमारे पास बेटी है तो भैया आप शादी करना चाहेंगे, तो फटाफट पापा दिल्ली गए, देख करके आया, मुझे पापा ने फोटो दिखाया ऑनलाइन में, मतलब कि मैसेज करके। मैंने कहा ठीक है आप लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे शादी करना अच्छी बात है, अभी तो नहीं करो, बेटर है निकाह, ये आप रिंग सेरेमनी कर लो, इतना ही काफी, जब हम दुबई या सऊदी से आएंगे तो हम शादी करेंगे। तो नहीं, शादी कर लो। चलो भाई कर लेते हैं, अब गार्जियन की बात तो माननी पड़ेगी। तो 5 नवंबर 2012 को हमारा निकाह हुआ, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली वाला अरेंज मैरिज है, ना कि हमारा लव मैरिज है। तो न्यू निकाह हो गया, जैसे ही निकाह हुआ 1 महीना गुजरा, फिर मैं दिल्ली गया, मिला वाइफ से, उसके बाद हमारा फ्लाइट 5 दिसंबर 2012 को दुबई के लिए हो गया। 11 महीना दुबई में काम किए, इसके बाद मैं वहां से निकल के आ गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कहाँ सैलरी आ रही है, क्या बच रहा है, कुछ फायदा नहीं। घर पे जब वापिस आया तो मेरी 4 गाड़ियां थी, उन 4 गाड़ियों में से मुझे 1 गाड़ी मिली, वो भी टूटी फूटी। अब बताओ, दुबई जाने को तो मैं चला गया अपना शौक अरमान पूरा करने के लिए, लेकिन जब मैं वापसी आया तो दुबई का ना मैं ढंग से कमा पाया, ना सैलरी मिली, जो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे जमा हुआ था इंडिया में वो भी खत्म हो गया। तो ये मेरे साथ पंगा हो गया। बट जब अब ये सब गुजर गया, चलो कोई नहीं, जो होता है होता है, टाइम की बात होती है। इसके बाद फिर से मैंने सऊदी का काम कराया, तो मैं सऊदी दम्मा मलहसा का काम कराया, ये भी मेरे किसी अपने ने हेल्प करा दिया था ऑफिस के थ्रू, मैं काम करा करके। फिर मेरा मन नहीं कि अब इंडिया में काम करने का, मैं कहा नहीं अब मैं सऊदी जाऊंगा तो जाऊंगा। फिर हमने अपनी वाइफ की विदागी कराई, 1 महीने 1.5 महीने हम लोग साथ रहे। इसके बाद फिर मैं 7 फरवरी 2014 को मैं फिर सऊदी आ गया। 54 महीने लगातार सऊदी में रहा, अच्छा खासा काम किया, जो करना था लाइफ में किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिली,
फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद 2018 में मैं घर पे आया, 18 दिन घर पे रहा। इसके बाद मैं 17 महीने दिल्ली में रहा, अपनी गाड़ी खरीदी, ओला उबर में चलाया, अभी भी चल रही है। इसके लेकर, इसके रिगार्डिंग मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा ओला उबर का सिस्टम क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, हर चीज़। तो ये थी मेरी स्टोरी। बट अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल गुजर गए हैं लाइफ में पूरा, अब जाकर के पूरा ढंग से मेरा सेटल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मैं अगर घर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चल रहा है। और आप लोग हमारे YouTube फैमिली मेंबर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। तो ये थी हमारी कहानी। यहाँ पर मुझे पता है इस दुबई में, सऊदी में और शादी में मुझे क्या सीखने को मिला। एक बात तो सीखने को मिल गई, लालच बुरी बला है। लालच मैंने क्या किया कि मुझे सऊदी जाना है, हवाई जहाज का शौक है। अगर भाई अगर आपको हवाई जहाज पे शौक है ना उड़ने का, तो लंबा सफर ले लो आप, या तो विजिट वीजा पर घूमने चले जाओ, हवाई जहाज का शौक आपका पूरा हो जाएगा। पता है सिर्फ हवाई जहाज पर घूमने के लिए और रॉयल लाइफ जीने के लिए मैंने सऊदी दुबई का कनेक्शन जोड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत ही हानिकारक रहा, मुझे फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप धीरे धीरे जब आप उस लाइन में आ जाते हो, सेटल हो जाते हो, तो आपको फिर उसका फायदा होने लगता है। अगर मैं दुबई नहीं जाता तो मैं आज कहीं और किसी और लेवल पे होता, मुझे मालूम था मैं किस लेवल पे होता। बट जो गुजर गया गुजर गया। ये थी मेरी कहानी, ये वाली पार्ट टू की। पार्ट थ्री में अब उबर की कहानी आपको बताऊंगा। उबर में मेरे साथ में बहुत बड़ा खतरनाक सीन हो रखा है, पिस्तौल के ऊपर। पिस्तौल पे मुझे नई नई गाड़ी लिया, उसी टाइम पे मुझे पिस्तौल पे लोगों ने घेर लिया था। ये मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन इस चैनल पे मैं जरूर बताऊंगा इस बात को। तो ये थी मेरी जो सेकंड पार्ट की कहानी थी, क्या था नहीं था आपको समझ में आया होगा। लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा यार, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के बोलने पे मत आओ, किसी की रॉयल्टी पे मत जाओ। जो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह उसी में खुश रहो। किसी को देख करके दिखावा पे मत जाओ। अगर आपका किसी का देख करके आप दिखावा पे जाते हो ना, तो ये गलती आपकी होगी और लॉस भी आपका ही होगा। किसी किसी को 100% में से 2% लोग होते जिनको फायदा होता है, 98% लोगों को फायदा नहीं होता, जो मेरे साथ हुआ। तो भाई ये थी हमारी पार्ट टू की पूरी स्टोरी। अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको ओला उबर की कहानी, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे मैंने गाड़ी खरीदी, दो गाड़ियां मैंने खरीदी थी, कैसे कैसे पूरा सिस्टम बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट। पार्ट थ्री में कहानी खत्म हो जाएगी। अब तक की जो मेरी लाइफ थी, जो रियल थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ आपके अंदर ऐसी फीलिंग हो या आपके साथ ऐसा हुआ है लाइफ में, रियल में, तो हमें कमेंट करके अपने दिल की आवाज़ जो है कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें अच्छा लगा आपका कमेंट, उस कमेंट को हम हाईलाइटेड भी करेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।